बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा, अवैध बजरी से भरे दो ट्रैक्टर जब्त। सावर पुलिस ने शनिवार को अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे दो ट्रैक्टर जब्त किए हैं। अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई के बाद बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। सावर थाना प्रभारी रामस्वरूप चौधरी ने बताया कि पुलिस गश्त के दौरान पुलिस को जीतापुरा गांव के पास अवैध बजरी से भरे दो ट्रैक्टर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देखकर ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को मौके पर ही छोड़कर जंगल में भाग गए। इसके बाद पुलिस ने अवैध बजरी से भरे दोनों ट्रैक्टरों को जब्त कर सावर पुलिस थाने में लाकर खड़ा कर दिया है। पुलिस ने इस संबंध में खनिज विभाग को जानकारी दे दी है। बनास नदी में होता है अवैध बजरी खनन। सावर थाना इलाके के जीतापुरा, कलाखेत और भीलवाड़ा जिले व अजमेर जिले की सीमा से लगते गांवों में बनास नदी में अवैध बजरी खनन होता है। यहां से अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर देवली, सावर व अन्य शहरों को जाते हैं। बजरी माफिया अन्य शहरों में मुंह मांगे दामों में बजरी बेचकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। सावर पुलिस की लगातार कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।